तुलसिया रामचंद्र भगवान की जय हो। भवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्वबाधा विनर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितम् मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। बोले धरती माता की जय जय भारत माता की जय सरस्वती मैया की जय गौ माता की जय महानदी मैया की जय गीता माता की जय हो भोले बाबा की जय हो पुष्कर तीर्थधाम की जय हो। आप सभी धर्म प्रेमी पवित्र आत्माओं को हृदय से बारंबार नमन करते हुए हमारी सभी माताओं को सभी देवताओं को बारंबार नमन करते हैं। जैसा कि निरंतर चल रही इस कथा में आपको बताया गया कि आप और हम एक ही माँ की संतान हैं और जब हम एक ही माँ की संतान हैं तो हम लोग परिवार के सदस्य हुए ना। निश्चित रूप से परमात्मा ने हमको आपको बड़े ही अद्भुत पल में मिलाया है। आइए इस पल की गरिमा को बढ़ाते हुए और देखिए कुछ पल ऐसे होते हैं कि उसकी योजना बनाने वाला परमात्मा ये हमारे बड़े ही स्नेही यह हमारे अद्भुत संयोग है। आज इनके दर्शन इस कथा मंच में हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम लोग भरत जी और राम जी के चरित्र पर काम कर रहे हैं। लोग कथा सुनते हैं ना, हम लोग कथा सुनते और कथा सुनाते नहीं हैं। हम लोग तो राम कथा से राम बनाने आए हैं और देखो एक राम जी हमारे ये भी पहुंच गए हैं, ये भी राम जी ही हैं। कथा में जो पहले आते हैं वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी के बाद जो आते हैं वो राम जी हैं और हम तो बस परमात्मा के छोटे से बच्चे हैं और परमात्मा का छोटा बच्चा आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। हाँ, आप लोगों के साथ में एक अच्छे विषय पर हम लोग संवाद करते हैं। निश्चित रूप से ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा है हम पर, उसने हम लोगों को ही चुना है। चुनना और चूना लगाना आप लोग तो जानते हैं, चूना लगाया जाता है ना? कुछ लोग बिना चूना के भी चूना लगा देते हैं, ठीक है।
अपन को चूना लगाने वाला नहीं बनना, अपन को चुने हुए लोग हैं, हम लोग सिलेक्टेड लोग हैं। आज एक सज्जन ने मोबाइल में हमसे मैसेज किया तो मैंने लिखा उनको कि ईश्वर ने हमको ऐसे ही नहीं बनाया है, हमको मतलब हम सबको जितने यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, ईश्वर ने सबको कुछ विशेषता के साथ में कुछ ना कुछ गुणवत्ता दी है। जब आप विशेष गुणवत्ता के साथ में काम करते हैं, सबके पास में है कृपा, सबके पास में जब सूरज निकलता है तो कोई रोशनी लेता है, कोई नहीं ले पाता है, कोई बिस्तर में सो रहा है, किसी ने तीन चार कमरे के अंदर विश्राम की अवस्था को ले रखा है, कह रहा मैं उठूंगा ही नहीं, लेकिन कहते हैं जगाने वाले में अगर सच्चा संकल्प ले रखा है, जगाने वाले में सामर्थ है, वो यदि खुद को कुछ नहीं समझ रहा है, परमात्मा पर ही उसने सब कुछ वार दिया है, तो निश्चित मानिए जागरण तो होकर रहेगा। आपने बंद कमरे में खुद को रखा है, लेकिन जब सूर्य देव आते हैं और उठाते हैं तो आपको उठना पड़ता है उसकी गर्मी से, उसके ताप से उठते हैं ना, कहते हैं अब निकलना पड़ेगा, अब बहुत गर्मी लगने लगी है। तो पतरेई गांव को, आपने उमरिया जिले को, उमरिया जिले की खितौली मार्ग पर जो इतना पवित्र तीर्थ वहां का पतरेई, इसको आपने अयोध्या बना दिया, काशी बना दिया, अरे अकेला एक तीर्थ होता है एक जगह पे, आपने तो यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन सब बना दिया है। आइए परमात्मा को हृदय से याद करते हुए, परमात्मा को हृदय से अपने भावों को समर्पण के साथ में जोड़ते हुए एक एक परमात्मा का भजन। और परमात्मा का भजन किसके लिए? हमारे आपके निर्माण के लिए है, कि मुझ में भी कोई कमियां हो सकती हैं, आप में भी कोई कमियां हो सकती हैं, हम लोग अपनी कमियों को दूर करें, हम लोग अहंकार में ना आए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूं, कोई नहीं है पूर्ण धरा पर, इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए पूर्ण होना तो कठिन है लेकिन अपने आप को पूर्ण मान लेना ठीक नहीं है, पूर्णता की ओर चलते रहना अच्छा है, पूर्णता की ओर चलना तो चाहिए लेकिन पूर्ण मानना नहीं। जिस दिन हमने स्वयं को पूर्ण मान लिया, जिस दिन मुझे लगने लगा अब मुझे सब कुछ आता है, उस दिन हम लोग कमजोर हो जाते हैं। राजा और विद्यार्थी जो माने संतोष, बढ़े नहीं नित नित घटे विद्या धन का कोष। ठीक है ना, ऐसी बड़ी बहुमूल्य बातें विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, आज शिक्षा जगत में बहुत ही दुखद दृश्य आ गया है। पंचतंत्र की कथाएं, सहायक वचन, नैतिक शिक्षा सब गायब हो गया। अरे और तो और, हमारे पुस्तकों में राम जी के चरित्र का भी वर्णन किया जाता था, महाभारत के भी कुछ दृश्य दिए जाते थे, सारे गायब हो गए। शिक्षा बाजार का केंद्र बन गया, शिक्षा बाजारू चीज नहीं है, शिक्षा तो क्या है, ज्ञान वो है जो संसार से आपको मुक्त करता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये बड़ी अनमोल चीजें हैं। और अनमोल चीजें कब मिलती हैं, क्या कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सोचिए तो ऐसे राम रतन के लिए चूंकि हम लोगों ने संकल्प लिया है अपनी जन्मभूमि को हम सब मिलकर तीर्थ बनाएंगे, तो उस तीर्थ के लिए सुबह शाम एक बार सुबह और एक बार शाम को यही अयोध्या यही बनारस, अब तो बन गया है, अब तो सिर्फ रोज याद रखना है,
हम लोग गाएंगे ना रोज, ऐसा नहीं कि सिर्फ कथा में अपन है तो रोज गा दें, घर में भी अपन रहे तो अपने छोटे बच्चों को गवाए। बोला बेटा एक काम करो, वो गीत गाओ, और हमारी माताएं जब कहीं रामायण में जाएं, हमारे देवता लोग भी जब रामायण में जाएं, तो इस गीत को जरूर गाना है। इस गीत को ईश्वर ने हमारे हाथों से लिखवाया है कि ये लिखो, हमसे बनता नहीं है लेकिन लिखवा दिया परमात्मा ने तो लिखना पड़ा। कलम तो अपने आप चलती है ना फिर भगवान जी। यही अयोध्या यही बनारस, यही अयोध्या यही बनारस, कहा इशारा भी करना पड़ेगा, कहा बेटा यही। हाँ देखो हमारे बच्चे बता रहे हैं, यही अयोध्या यही बनारस, यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है, यही वृंदावन धाम है, यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है, यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके तो सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, अरे कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते, जो बैठा है सबके उसे समझ नहीं पाए। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, 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 अनुभव की है ठान है, अनुभव की है ठान है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है, राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, यज्ञदेव भगवान की जय हो, इस धरती माता की जय हो। और पुनः आप सभी माताओं को हमारी बच्चियों को हमारी देवियों को हृदय से वंदन करते हैं, सभी देवताओं को वंदन करते हैं, हमारे संगीत दे रहे परम स्नेही हमारे राम जी के ही अवतार सारे बच्चे। हम था के विश्राम दिवस में हम लोगों ने इतने दिनों तक जो कुछ भी, इतने दिनों मतलब सिर्फ 9 दिन की बात नहीं, इतने दिनों मतलब जीवन के पिछले दिनों में भी कई वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, हमारे जैसे कितने लोग आ गए, हमसे बड़े बड़े विद्वान, हम तो अभी कल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने आपको बढ़िया खूब अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई। मैंने आपसे बताया हर व्यक्ति को अपनी पसंद के बारे में लोगों को बताना चाहिए। मुझे रामायण में भरत, जटायु, सबरी सबसे ज्यादा ये तीन लोग मेरे हृदय को भाते हैं। अगर मैं कहूं मुझे राम जी से भी ज्यादा पसंद है तो भरत जी पसंद है मुझे, और सीखना चाहें
तो सबसे पहले हनुमान जी से सीख जाए। क्यों? हनुमान जी ने सरलता को इतना अद्भुत दृश्य के साथ में परोसा है कि हनुमान जी जैसा समर्पण। अच्छा हनुमान, चलिए भरत जी तो एक रक्त के हैं, भाई हैं, एक पिता की संतान है ना, लेकिन हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तो अगर अपन बाहरी दृष्टि से देखें तो भाई मानव भी नहीं है। भाई राम जी ने तो मानव के रूप में अवतरण लिया। कई बार क्या होता है, कुछ कुत्ते बिल्ली अरे सांप बिच्छू जहरीले गाय बैल ये भी आपसे स्नेह करने लगते हैं। अभी हम जब आश्रम से चल रहे थे तो छोटे छोटे पिल्ले हैं पांच, बहुत दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे विदाई करने आ रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य था। एक बार लगा इसको मोबाइल में कैद कर ले, फिर लग रहा था लोग निकल जाएं। कष्ट भी हो रहा था कि यार ये लोग दूर तक हैं, हमको जाना भी है। ड्राइवर जो थे भैया, उन्होंने कहा बाबा जी आज बड़ा पीछा चल रहे हैं, कुछ ज्यादा देर तक पीछा चल, हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। लेकिन उनके समर्पण से, उनके त्याग से, उनको बिना कुछ मिले वो जो देते हैं उससे इतना कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं जो सीखना चाहता है ना वो कहीं भी सीख सकता है, और जिसे नहीं सीखना है उसको आप कहीं भी बैठा दो, कितने भी बड़े विद्वान व्यक्ति के साथ बैठा दो, वो क्या हो, सरोता की तरह ही काम करेगा। हमारे भरत लाल जी ऐसे ही पवित्र आत्मा है। तो हनुमान जी हमारे जो हैं, उन्होंने कभी कुछ भी प्राप्त करने का, अरे प्राप्त करने का नहीं, छोड़ने का भी उनका कोई, वो तो कहते हैं कि बस मैं राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। कहते हैं मेरी कार्यशैली में शामिल है उसको वो जिम्मेदारी भी नहीं मानते हैं। कहते हैं प्रभु करा रहे हैं तो हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। आज एक ठाकुर साहब ने कहा, बोले बाबा जी कथा बड़ी अच्छी चल रही है। मैंने कहा बड़ी कृपा है ईश्वर की, और मैंने उनसे सच बात बताई, आपको भी बताता हूं सच क्या है। आपको लग रहा त्यागी जी से बहुत अच्छी कथा बन रही है, बहुत अच्छी कथा बोल रहे हैं। त्यागी जी का सामर्थ्य नहीं है कि त्यागी जी कुछ भी बोल सके। अच्छा ये बताइए, यदि इसमें अभी इसको बजाया गया ना तो आवाज इसके अंदर है या बाहर है? अगर इसके अंदर है तो अपने आप बजना चाहिए इसको, ये रखा है क्यों नहीं बज रहा है? इसको कोई फूंक रहा है? ऐसे ही इस शरीर में भी, इसको आप समझ लो संख, इस शरीर जो है संख, इसमें भी कोई फूंक मारता है तो आवाज आती है और आपको लगने लगता है कि त्यागी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे ही आप भी हैं, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और आपके बिना चाहे भी सब कुछ हो रहा है। भूख लगाता है कोई कभी? कोई कहता है कि भूख लग जाओ? नींद लगाता है कोई? नींद को तो लोग रोकते हैं, थोड़ी शादी में जागना है अगर तो कहते हैं अरे यार थोड़ा सा पानी के किंचा मार लो, थोड़ा नींद जो है भाग जाए। सोचिए आप भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए कोई अलग से आदमी रखा हमने क्या, कर्मचारी रखा है? अपने आप सब कुछ हो रहा है। इस संसार का भी यही क्रम है, इस संसार में भी सब कुछ अपने आप हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से, क्या है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। जय हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, जय हो कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्यावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, किसका काम सही में हो रहा है? सबका हो रहा है। देखो, मन में जब कभी ऐसा लगे कि कहीं मैं कमजोर हूं, मुझे कोई साथ नहीं मिल रहा है, तो एक बार राम कथा सुने ना, तो याद कर लेना राम जी को कि राम जी जब जंगल गए थे तो कोई साथ नहीं था उनके, उनके ऊपर कोई नहीं था। राम जी का मुखिया कौन था? राम जी का मुखिया कोई नहीं था, राम जी ही मुखिया थे। पूरा संसार दुखिया था, राम जी मुखिया, संसार पूरा दुखिया, लेकिन उन्होंने बना दिया सबको सुखिया, ऐसी कृपा की कि सब सुखिया बन गए, क्योंकि निरंतर परमात्मा की कृपा बरस रही है। जब भी आपको लगे तो देखना, अरे आपको तो दो चार दिन का कष्ट होता है, मेरे प्रभु भगवान श्री राम को तो निरंतर 14 वर्ष का कष्ट हुआ, हुआ ना, लगातार 14 वर्ष का कष्ट। अपन लोग क्या कहते हैं, 2-3 दिन से घर से बाहर निकले हैं, क्या बताएं। और राम जी ने बाद में भी नहीं कहा कि क्या बताएं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, ऐसा नहीं कि गिनती नहीं करते रहे, गिनती तो थी, लेकिन गिनती सिर्फ इसलिए थी कि 14 वर्ष होते ही लौट के जाना है, मैंने भरत को वचन दे दिया है, प्रजा इंतजार करेगी। राजा बनने का नहीं था कि भरत ने कहा है कि आओगे तो आप राजा बनोगे, राजा बनने का, अरे वो तो जहां है वही राजा, राजा जहां होता है वही राजा होता है, राजा को अलग से जाकर के राजा बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए फूल कहीं भी जाएगा तो खुशबू ही बिखेरेगा, वो ये नहीं कहेगा क्या बताऊं पेड़ से दूर हो गया,
थोड़ा पेड़ होता पास में, है ना, आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब कथा सुनने आए हैं। कष्ट तो होगा, हमारे वाल्मीकि जी को देखो, बमीठी लग गई थी, आपने लोगों ने तो बताया है ना, और अभी बमीठी शुरुआत होने वाली थी, कल से चालू हो जाती, तो आप लोगों ने आज उसकी शुरुआत जो है उसमें फूल छिड़क दिया, पानी छिड़क दिया। अरे लग जाए तो बमीठी क्या दिक्कत है, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को काम के आसक्त बना रखा है, काम के आसक्त रहेंगे तो भरत जैसा नहीं हो पाएंगे, आपको भरत जैसा त्याग करना पड़ेगा। आज एक वृंदावन के बड़े अच्छे विद्यार्थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बोलने के लिए तो सब लोग बोल सकता है कि हम लोग त्याग करते हैं या त्यागी हैं, लेकिन त्याग को करना कहते हैं सबसे सीखने को मिलता है। तो अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं उनकी, तो बड़ी अच्छी बात कही कि बोले बाबा जी आपको देख के हम लोग देखते हैं कि त्याग क्या होता है, सुनते तो बहुत है, त्याग की परिभाषा कौन बताएगा, जिसने त्याग को देखा होगा और जिसने त्याग को समझा होगा। हमने एक दिन नमक नहीं खाया तो हम लोग बताने लगते हैं, एक दिन फल नहीं खाए तो बताने लगते हैं। राम जी को देखो आप, 14 साल तक क्या मिला होगा उनको, आपको क्या लगता है फल इतने सरलता से मिल जाते होंगे? अरे आज जब राक्षस नहीं है तो फल नहीं मिलते, वानर कम है तो फल नहीं मिलते, उस समय तो राक्षस भी खूब थे वानर भी खूब थे, तो क्या इतनी सरलता से फल मिल जाते रहे होंगे? नदियां, आपको क्या लगता है नदियां इतनी सुरक्षित रही होंगी? नदियों में पानी भले ज्यादा रहा होगा लेकिन सुरक्षित कल भी नहीं थी, सुरक्षित आज भी नहीं है। आपको क्या लगता है पेड़ कल सुरक्षित रहे होंगे? नहीं, कल पेड़ भी सुरक्षित नहीं थे, नदियां भी सुरक्षित नहीं थी, और तो और मानवता भी सुरक्षित नहीं थी। उस मानवता को सुरक्षित रखने के लिए ही परमात्मा ने बड़ी कृपा की, मानवता के रक्षण के लिए, मानवता के पोषण के लिए परमात्मा श्री राम का अवतरण हुआ। कौशल्या माता हमारी, हमारी माताएं बड़ी कृपालु होती हैं, दयालु होती हैं, और हमने कहा हमारी कुछ माताएं ऐसी हैं जो बिल्कुल जो है निरंतर कथा सुनने में किसी तरीके का जो है परिवर्तन नहीं करती हैं, समय से आती हैं और समय से पहले नहीं जाती हैं। हम अपनी माताओं को जो है बदनाम थोड़ी करेंगे, समय से पहले आती हैं और समय से बाद में जाती, कथा जब पूरी हो जाती है, आरती पूरी हो जाती है और बढ़िया हमारे हिस्से का भी प्रसाद खाकर जाती हैं, ऐसी हमारी माताएं, ऐसे हमारे देवता लोग, और यही तो चाहिए। त्याग बड़ी चीज है, जिसने त्याग किया है, आप लोग भी जब उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं ना, तो आप लोग भी बड़े आनंदित रहते हैं, भले भूख लगी हो लेकिन क्या कहते हैं आज कुछ खाए नहीं है, भूख तो लगी है लेकिन अच्छा लग रहा है, है ना? सर्वे छयाताम निचया पतनांता समोक्षया संयोगा विप्रयोगांता मरणांत जीवितम। जीवन मरण सबको पता है, लेकिन उस जीवन मरण में क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं, कहते समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। आप कुछ भी संग्रह करने का प्रयास करेंगे, एक बहुत साधारण सी बात अगर आपको हम उदाहरण के रूप में दें, तो जितने लोग यहां बैठे, यदि मैं और जोड़ने के प्रयास में लग जाऊं, अभी एक हमारे दुकान वाले भैया मिले तो हमने पूछा भैया दुकान कैसी चल रही है, तो बोले बाबा जी थोड़ा रुक रुक के चल रही है,
स्वाभाविक सी बात है, मेला में है तो लगता है कि भाई मेला का तो मतलब ही है कि थोड़ा बिक्री तेज हो और होना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी हमारी माताओं को आज और कल, अभी दो दिन हैं, हमारे दुकानदारों के दो दिन में खूब बिक्री करा दो। जो पैसा हमारे देने के लिए रखे हो उसको भी बढ़िया दुकानदारों पे सामान खरीद के लगा दो। हमारे हिस्से का जो होगा वो तो आप आश्रम पहुंचा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी लोग दो दिन बाद पता नहीं कहाँ मेला लगता है, कहाँ बाजार लगती है। और ऐसा मत सोचना कि आपके कारण ही ये जीवित हैं, आप नहीं चलाओगे तो इनका घर नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं सोचना है। लेकिन आप जिम्मेदार तो हैं, आपके कारण इनका घर थोड़ा ज्यादा अच्छा चल जाए। रोटी तो खाएंगे लेकिन हो सकता थोड़ा सा तेल चुपर लें। शुद्ध घी खरीदने की तो क्षमता नहीं है, है ना, क्योंकि हम लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया। बोलते हैं घी बहुत महंगा है, घी महंगा नहीं है, आप महंगे हो गए हैं क्योंकि आपने गौ पालन बंद कर दिया। जिस देश में दूध की नदियां बहती थी ऐसा कहते हैं, उस देश में दूध जो है शुद्ध नहीं मिल रहा है। महंगा तो ठीक है, मिल ही नहीं रहा है शुद्ध। उसका कारण क्या है? गौ माता की सेवा का ना होना, गौ पालन ना होना। और एक और खास बात है कि चारागाहों का कम होना। हम लोगों ने जहां चारागाह थे ना उसमें भी खेती करना चालू कर दिया है। हम लोग, एक बड़ी अच्छी बात है आपके सबके लिए, और आप सब विद्वान लोग हैं, हम आपको कुछ ज्यादा बता नहीं सकते हैं लेकिन याद दिला सकते हैं। कहते हैं कण कण में भगवान देखने वाले हम लोग, और कंकड़ पत्थर से लोगों को मार मार के हताहत कर देते हैं, ऐसे लोग हैं हम लोग। भरत जी ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, राम जी ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, राक्षसों का वध किया है, राक्षसों का संहार किया है, नुकसान किसी का नहीं किया। वध किसके लिए होता है? वध होता है निवृत्ति के लिए, अगले जन्म में उसको कष्ट ना सहना पड़े। रावण को पता हो गया था ना कि मेरी मुक्ति मार्ग में मैं ही बाधक हूं, तो क्यों ना मैं परमात्मा को स्वीकार कर लूं। परमात्मा को जिसने भी स्वीकार किया है, राम कथा और राम कथा का मर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे सब्जी का स्वाद अलग है और सब्जी के रस का स्वाद अलग है, गन्ने का स्वाद अलग है और गन्ने के रस का स्वाद अलग है। किसी बड़े विद्वान व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हमको ध्यान आ गई कि घर में कोई आए अगर और चाय बनाना है अगर आपको, तो चाय तो घर में होना नहीं चाहिए, चाय तो जहर है, और आप लोगों ने छोड़ दिया हमारे कहने से। पतरई वालों ने त्यागी जी के कहने से चाय छोड़ दी, अब भोजन छोड़ने की तैयारी करवा रहे हैं। अगर दो तीन दिन और रुक जाएंगे तो भोजन भी छुड़वा देंगे, दोनों टाइम का, एक टाइम का, एक टाइम का। तो अगर कोई रिश्तेदार आ जाए घर में तो क्या करना हमको? उसको बोले भैया मीठा खाने की इच्छा उसकी, तो जाओ खेत से और गन्ना तोड़ के लाके उसको दे दो, और गैया खड़ी कर दो उसके पास, बोले भैया एक गाय है दोह लो, खोवा बना लो, और ये गन्ना है इसको जूस निकाल के इससे शक्कर बना लो, और खोवा और शक्कर की मिठाई बना लो और खा लो। ऐसा करते हैं क्या अपन? क्या करते हैं? तुरंत जाके बाजार से बनी बनाई मिठाई लेकर के आते हैं। अब दुकानदार जो भी मिलावट किया है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन एक नियम है, एक मर्यादा होती है कि हम लोग घर में ये प्रयास करें कि उसको गन्ना नहीं परोसेंगे, उसको घर में जो कुछ भी होगा हमारे पास हम उसको परोसने का प्रयास करेंगे। इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति गन्ना चूस के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
ये हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि आप जो है सब कुछ वैसे का वैसा परोस नहीं सकते, लेकिन ज्ञान को आप वैसे का वैसा परोस सकते हैं। हमको घर से बाहर निकलना होगा तो हमको थोड़ा साज सज्जा करना पड़ेगा, लेकिन साज सज्जा में ज्यादा समय नहीं लगाना है। हमारी माताएं बहुत टाइम तक तैयार होती रहती हैं, ठीक है। कुछ पुरुष भी देख देख के सीखने लगते हैं, और जबकि एक मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अरे आपका तो तन भी सुंदर है, मन भी सुंदरता है से भरा हुआ है, ठीक है ना। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तो आप लोग तो तन से मन से सुंदर है, विचारों को और सुंदर बनाना है। कहते हैं जिसके विचार सुंदर हो जाते हैं उसके विकार दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों ना हम अपने विचारों को पवित्र करें, और विचार हमारे पवित्र होंगे तो हमारे अंदर के सारे कलमश नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर से सारा द्वेष नष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोभ, लोभ जो है, अच्छा लोभ की सीढ़ी है, आपको पता है सारा कुछ। लोभ जो है लाभ से शुरू होता है। पहले दुकानदार क्या करता है, थोड़ा लाभ मिल जाए इसके लिए काम करता है, और फिर जब लाभ ज्यादा मिलता है तो बोलता आज थोड़ा कमाई लेते हैं, तो लोभ हो गया, और लोभ आया तो लोभी बन गया, और जब लोभी बन गया तो फिर जो है उसके जीवन में क्रांति नहीं आ पाती है, शांति नहीं आ पाती है, उसके जीवन में अशांति ही अशांति आती है। चोर खूब कमा ले, लेकिन वो दिलेरी से खर्च करने वाला नहीं दिख सकता है। वो कहीं दूसरी जगह लंदन में बंबई में जाके भले खर्च कर ले, लेकिन अगर गांव में चोरी करता है तो गांव में दिलेरी से दिखा नहीं सकता है, क्योंकि उसका माल चोरी का है। अरे हम लोग इतने सरल हो जाएं, भगवान ने पानी में कोई रंग नहीं डाला, हम लोग रंग डाल डाल के शरबत पिलाते हैं, लाल रंग का, हरे रंग का। और बार बार निवेदन है राम के चरित्र जैसा सरल जीवन हो, बिल्कुल मिलावट नहीं, बिल्कुल सजावट नहीं, जैसे हैं ऐसा ही परोसना है। राम का चरित्र यही बता रहा है कि बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही। और हम हमेशा एक बात कहते हैं, आप संसार के सर्वोच्च शिखर पर बैठ सकते हैं, आप जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जो राम जी ने प्राप्त किया है। राम जी ने क्या प्राप्त किया, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भक्ति वैराग्य सब तो मिला राम जी को। हम लोग क्यों वंचित हैं, हम लोगों के कर्मों में अगर खोट नहीं हो तो विचारों में खोट है कहीं। हमको भी सब कुछ मिल सकता है, हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अरे और तो और परमात्मा की संतान जो है ना, परमात्मा बन सकती है। एक दिन ऐसा आ सकता है कि परमात्मा ने आपको भेजा ही है, परमात्मा जैसा आप बन जाएं। और जब आप परमात्मा, हनुमान जी कौन थे, छोटे से वानर, और आज क्या बोलते हैं, हनुमान जी का नाम राम जी के साथ आता ही आता है। क्यों आता है, अगर राम जी का नाम लिया गया है तो हनुमान जी का नाम भी लिया ही जाता है। और हम लोग जहां भी बैठे स्थान की मर्यादा का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। स्थान की मर्यादा सबके लिए, मेरे लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए। कई लोग क्या करते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, और जो कोई खाएगा गुटखा उसको भगवान मारेंगे मुटका। हम नहीं करेंगे कुछ, है ना, हम तो कहेंगे भगवान एक दो ठो नहीं, अच्छे मुटका ही मुटका, ठीक है ना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी कि चरित्र में जो पावनता है, पुनीतता है, बार बार यही प्रार्थना गुरु जी की, भरत लाल जी की, सबकी। लेकिन अपने संकल्पों से कभी जो है हमको पीछे नहीं हटना चाहिए।
आपका कलेक्टर का इंटरव्यू है और आप बोले कि एक काम करते हैं, इस बार नहीं देते हैं, अगले बार दे देंगे, क्या होगा? चूक गया। और इसीलिए बोला गया मच्छू को चौहान। क्यों बोला गया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे बड़े बलशाली, और तो और उनको जो है शब्द भेदी बाण चलाते थे। आपको हमने बताया है, हमको ऐसा नहीं लगता है कि कथा में कोई चीज छूटी हो, लेकिन अगर कोई चीज छूटी होगी तो वो ये समझ लेना कि बाबा जी से नहीं आती होगी, त्यागी जी से, इसलिए नहीं बताए होंगे, ऐसा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रयास तो है हमारा कि हम बाहर से भी कहीं से सीख करके भी आपको सिखाने का, लेकिन क्या करूं, मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। ईश्वर ने जो विचार दिए, वाणी दी, उसको आप लोगों के सामने रख देता हूं और उसमें भी वाह वाही लूटने लगता हूं। तो अगर कोई त्रुटियां हो रही हो तो सुधार करूंगा, मुझ पर आपका उपकार रहेगा, तो इस वाणी को और शुद्ध करने का, इस विचार को और शुद्ध करने का प्रयास रहेगा। और परमात्मा से निवेदन है, परमात्मा से प्रार्थना है, प्रभु हमसे अगर कोई गलती हो ना तो खूब सजा देना, हमको माफ मत करना, सजा मांगना है। हमारी कथा में एक उल्टी बात आपको मिलेगी, बहुत सारी उल्टी बातें मिलेंगी कि हम माफी मांगने के लिए कभी तैयार नहीं करते किसी को, नहीं माफी मांगना ही नहीं है, गलती करने की माफी क्यों मांगे? हम गलती करने से पहले सोचें कि प्रभु इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि आ गया है, हम सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि आ गया है, पर भाग के हीर मोती संभालो, भूल यही कहाँ है बदल, देर होना किसी का किसी से, भावनावन में बदले की होना, हम चलें एक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Oh,
श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे राम जी सीता जी वन की ओर चले गए, जाते हैं। आपको बताया था हमने कि सुरपंखा की नाक कैसे कटी थी, कल हमने आपको सांकेतिक रूप से बताया था। एक स्त्री जाति की नाक कट जाना उसके लिए बड़े दुख की बात है। नाक कटने का मतलब अकेले खून निकलने से नहीं है, कि खून निकल आए तो समझना चाहिए कि नाक कट गई है। गांव की भाषा में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बेइज्जती हो जाना है ना, साधारण भाषा में, तो आपका मान सम्मान नष्ट हो जाना और स्त्री का मान सम्मान नष्ट होना बड़ी दुख की बात है। और हमने आपसे निवेदन किया है कि माताओं अपने मान सम्मान के लिए, अपने चरित्र के लिए अगर मृत्यु के घाट भी उतरना पड़ जाए तो अपना चरित्र मत खोना, क्योंकि चरित्र हमारा जब पवित्र होगा तभी हम महान बन पाएंगे। चित्र तो थोड़ा सुंदर हो सकता है, चित्र में थोड़ा कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन चरित्र, चरित्र सबसे उज्जवल हो। रंग हमारा काला सफेद गोरा, कई बार देखो आप कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, ठीक है ना। कहते हैं गांधी जी जब जो है ना विदेश में गए तो गांधी जी को बोला जाता था गंदा गांधी वापस जा, ऐसा बोलते थे लोग। क्यों बोलते थे मालूम है? क्योंकि वो काले थे। काले मतलब भारत के लोग थोड़ा, अब सांवला भी है तो काला है, अब गोरा जो होता है, अब दूध जैसा है बिल्कुल, तो वो गोरा, तो उसको अपने आप भूरा कहते हैं। दूध जबकि क्या है, गोरा है। अब जो गोरे लोग हैं उनको लोग गोरा नहीं कहते, भूरा कहते हैं। और थोड़ा सांवला है जो, तो उसको क्या कहते हैं, करिया। अरे सांवले में और काले में थोड़ा अंतर रखो भाई। काला मतलब कोयला, कोयला काला है। और बाकी लोग, हम लोग जो है भगवान को भी हम लोग कह देते हैं करिया है। शंकर जी को कह दे शंकर जी की बटैया काली है तो मान लेते हैं, ठीक है। तो सांवरा बोलते हैं, है ना, श्याम रंग है हमारे प्रभु का। और जब सुरपंखा को ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई, आज देखिए हम लोग कथा के सार में है, ध्यान रखना है। पूरी कथा जो भी आपने सुनी उतने दिन की पूरी कथा, उसके सार में हम लोग चल रहे हैं। और जो लोग आज आए होंगे ना तो वो लोग बड़े फायदे में हो गए कि पूरी जो है सारे दिन का एक दिन जो है पूरा माल लेके चले जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपका जो पवित्र यहाँ पर स्पर्श रहा इस धरती से, आपके अच्छे चिंतन को, आपके अच्छे कर्मों को वो नहीं ले जा पाएंगे। वो अपने कर्मों को ही अपने भाग्य में जो उनके है, और जो उन्हें बोया आज आए तो आज के हिस्से का ही पाएंगे ना। अगर आपको भूख लगी है, पांच दिन से आप नहीं खाए और पांचवें दिन आपको भोजन दिया जाए, पांचों दिन का, कि भैया ये पांच दिन से भूखे हैं हमारे नरेश भैया, ठीक है, तो पांच दिन का भोजन आप एक साथ नहीं कर सकेंगे। बड़ी ईश्वर की योजना है, क्योंकि अगर आदमी के साथ ऐसा गैप हो जाता और इस गैप को स्वीकार कर लेता, अरे यार मैं एक हफ्ते से नहीं खाया हूं, ठीक है, तो एक हफ्ते का जो है हम लोग, भैया एक हफ्ते का हमको इकट्ठे परोस दो, और हम तो बढ़िया जो है रोज माल छानते हैं, पतरेई में बता रहे हैं, बढ़िया खूब जो है खूब माल छानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है निश्चित ही, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए व्यक्ति को। अभी हम आपको बता रहे थे हमारे राम जी अभी भैया यहाँ से चले गए थे, वो कोटी पहने बैठे ना, इनका नाम राम जी, राम नरेश, ठीक है ना भैया। कितने साल बाद मिले हैं आप? लगभग 25 साल बाद मिले होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कृपा ईश्वर की कि वन टच कनेक्शन,
ठीक है, कहते हैं कि महाराज जी जो हैं आजकल पहचानते नहीं हैं, ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं ना कि महाराज जी के पास चेला ज्यादा जब से हो गए तो भूल गए, लेकिन परमात्मा ने बड़ी स्मृति को मजबूत किया हमारी। और अच्छा, चेहरे से बस नहीं, हम उस समय तुरंत में हमने भैया का पूरा नाम नहीं लिया क्योंकि उस समय कथा की शुरुआत थी, तो हमने कहा कि भैया को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि इनका नाम राम नरेश है, हो सकता है ये भूल गए हो, ठीक है, कि इनका नाम राम नरेश है, लेकिन हमको जो है याद है, बहुत पवित्र वातावरण यहाँ पर अमृत वर्षा चल रही है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, हवन करते हैं तो उसमें थोड़ा धुआं लगता है आंखों को, थोड़ा आंख साफ होती है, कोई बुराई नहीं उसमें। और एक बात हम हमेशा कहते हैं, कभी हम जब विद्यालयों में जाते हैं ना तो एक बात हम कहते हैं कि चूल्हे में भी आग जलती है, सब कोई ध्यान से सुनने हमारी बातों को थोड़ा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको कोई परोसने आया है। आप जब चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, चंदन की भी लकड़ी जलाइए आप, तो चंदन की लकड़ी से भी अगर आप रोटी सेकेंगे तो राख ही निकलेगी, चूल्हे में निकलेगी ना, और राख किस काम में आएगी, खाने की, अच्छा नहीं, माताएं कुछ खाती भी है इसलिए हमने कहा हो सकता है, अब कोई नहीं बताया भाई तो हम तो है ना जानते कि हमारी माताएं जो कुछ काली मिट्टी, कुछ सफेद छुई और राख सब चाटती रहती है, बहुत खराब है माताएं हमारी, ज्यादा मत चाटना माता जी, ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, जैसे हमारे देवता लोग अपने साथ डिब्बी में लेके चलते हैं तमाकू, चूना, सुपारी, थोड़ा छोड़ने की आदत डालें, साथ में नहीं रखेंगे, बहुत परिवर्तन आता है। पास में क्या रखें, तो फिर एक तो कुछ नहीं रखना, सबसे अच्छी बात है कि कुछ नहीं रखना, कुछ है उससे अच्छा है कि कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे पास में रहेगी तमाखू, गुटखा, सुपारी तो एक बार और हो जाए, ठीक है ना। आप देखिए हमारे देश के सैनिकों को, उनको पानी भी सोच विचार के पीना पड़ता है, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे देश की धरती जो है बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलबेली है, क्यों, क्योंकि सैनिकों को पानी पीने के लिए तो पर्याप्त मिलना चाहिए ना, लेकिन जहां पर सैनिक हैं वहां पर पानी नहीं है, वहां भोजन नहीं है, कितना लेके चलेंगे साथ में, और उनको तो बंदूक भी रखना है, गोली भी रखना है, असला बारूद भी रखना है, सब रखना है, और हम लोगों को कुछ नहीं रखना है तो आधा किलो सुपारी रख के चलते हैं, गुटखा रख के चलते हैं, अरे गुटखा रख के चलना है तो रामायण का गुटखा रख के चलो, गीता का गुटखा रख के चलो, छोटी सी पुस्तक होती है ना उसका भी तो गुटखा कहते हैं, अगर इच्छा है, आदत है कि गुटखा ही रखना है तो आज से रामायण का गुटखा रखना, गीता माता का गुटखा रखना, ठीक है ना, कोई छोटी सी ऐसी पुस्तक रखना, छोटी सी पुस्तक, ज्यादा महंगी भी नहीं आएगी, और ये जो है हनुमान चालीसा देखो कितनी बड़ी, आपकी चूने के डिब्बी में भी जो है ना दो तीन तो पुस्तक आ जाएंगी ये वाली, देखो हमारे भैया जो है इनने भी जो है थोड़ा बड़ा वाला गुटखा रखा है, ठीक है, जैसे वो पाउच आता है ना 10 वाला 20 वाला अलग अलग आता है, और महंगा भी आता है क्या माता जी, महंगा भी आता है, 40 वाला भी आता, बता रहे हैं, सब जानते हैं लोग, तो हमारे बड़े भैया जो हैं ये बड़ा वाला गुटखा रखे, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, यही हमारे जीवन के बस, हमारे पास में जो दिखेगा, हम आपको एक बताएं, हम हमेशा हमारे पास में एक चीज रहती है, संग, संग किसके पास है मालूम है आपको, भगवान विष्णु के पास संख रहता है। एक दिन क्या हुआ, हम विद्यालय गए, बापू विद्यालय में हमारा एक कार्यक्रम था, तो जो टीचर थे पढ़ाने वाले उसमें पटेल जी थे, तो उनने कहा महाराज जी हम सबको भगवान जी बोलते हैं, तो इन लोगों की भी आदत बिगड़ गई, वो भी बोले भगवान जी कैसे हैं, हमने कहा बहुत अच्छे भगवान जी, आप ठीक हैं, बोले ठीक है भगवान जी, तो
उनने हिम्मत की, बोले भगवान जी शंख। मैंने कहा शंख समृद्धि का सूचक है, माता अन्नपूर्णा की कृपा। जैसे समुद्र में सारे रत्न होते हैं, आपको जो चाहिए उसके लिए थोड़ा प्रयास करिए, मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर कथा सुनने वाले प्रांगण में कथा सुनने वाले ही मिलेंगे, थोड़ा मेला प्रांगण में दो तीन प्रकार के लोग मिल जाएंगे। अभी हमारी माता जब तक कथा में बैठी तो इनसे ईमानदार कोई नहीं, और जैसे ही चूड़ी बिंदी वाली की दुकान में गई, हम कुछ नहीं बोल रहे, कोई देखे या ना देखे वो देख रहा है, उसका थोड़ा सा सामान ले जाने से वो तो बेचारा कल कमा लेगा, थोड़ा रो लेगा, लेकिन आप उतने थोड़े से में एक बिंदी के पत्ता में क्या हो गए मालूम है, चोर हो गए कि नहीं। देखो सबसे मुंडी हिल रही है, बात पक्की है, ठीक है। सबने अपने जीवन में कभी ना कभी, अरे हमने भी की होगी गलती, ऐसा थोड़ी है कि त्यागी जी बड़े दूध के धुले होंगे, आज त्यागी जी बन गए ना, कल तो गलतियों के पुतले रहे होंगे ना। लेकिन एक बात इसके बाद भी बड़े गर्व से कह सकते हैं, और अब तो देखो हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको बड़े लंबे अरसे से जानते हैं। लेकिन एक बात रही कि जो चरित्र आज है ईश्वर कृपा से, वही चरित्र हमेशा रहा है। और लोग कहते हैं बाबा जी आपका कुछ ज्यादा नहीं बदला है, थोड़ा दाढ़ी बढ़ गई है और कपड़े बदल गए, बाकी आप जैसे थे वैसे ही हो, ऐसा लोग कहते हैं। बोले आप पहले भी ऐसे ही मुस्कुराते थे, पहले भी ऐसे ही बात करते थे सबसे प्रेम से। बोले आप अब बाबा जी लोग आपको कहने लगे हैं, पहले आपको पंडित जी कहते थे, महाराज जी पहले भी कहते थे, तो ये बड़ी कृपा है। और हमारे पास तो आज सर्टिफिकेट हमारे राम नरेश भैया के द्वारा, कि राम नरेश भैया जो है आपको सब बता देंगे, क्योंकि वही पढ़ते थे साथ में, हमारे सीनियर हैं, ठीक है ना। देखो हमारे सीनियर भी हमारे जूनियर भी सब हमको मिल रहे हैं, ये हम पर बड़ी कृपा है हमारे ईश्वर की, हमारे परमात्मा की। कल जो लोग खड़े थे यहाँ पर मंच में बच्चे, वो हमारे विद्यार्थी थे, जो हम सरस्वती विद्यालय में पढ़ाते थे उस समय के हमारे वो विद्यार्थी थे। ऐसे ईश्वर के पास से परमात्मा सबसे मिला रहा है। जब आप समाज में अच्छे काम के लिए आपका चिंतन हो जाता है तो परमात्मा आपको कुछ ज्यादा देना चाहता है, आप छोटे में सिमट जाते हैं, नहीं तो आपको आजकल तो विज्ञान के नाम पर, राम के नाम पर बड़ी लूट चल रही है, राम के नाम पर इतनी लूट चल रही है, धर्म को बना दिया गया धंधा और काम कर रहे हैं होकर अंधा, लूट लूट और लूट। हम कभी आपसे इस बात को कहें कि भगवान को कुछ चाहिए तो मत मान लेना, हम भी कहें अगर कि भगवान को पैसा चाहिए तो नहीं मानना आप। पैसा किसके लिए, पैसा तो जैसे कोई, अब देखिए ये किसी ने हमको बड़े भाव से वस्त्र समर्पित किया तो उनका भाव है, ठीक है। अब क्या करना है इसकी एक खास बात समझे। अब मान लो आपने सबने हमको एक एक वस्त्र दे दिया, तो मैं क्या सबको पहनूं, मेरा नियम कहता है कि वो फिर मैं किसको दूं, मेरे को एक लगना है, एक जोड़ी कपड़ा लगना है और मैं उसको रख लूं पेटी में अलमारी में। तो नियम ये कहता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी अधिक है तो वहां पहुंचाइए जिसके पास कम है। हमको भोजन लगना है, अभी इतना आपने रख दिया, 6 महीने में न खा पाएंगे, सही बात है, आप लोग तो खा लोगे, है ना। तो हम उसका क्या करें प्रयास कि भैया ये जो है सब लोगों तक पहुंच जाए। सब लोगों तक जब पहुंचेगा सबकी आत्मा तृप्त करेगा, और जब सबकी आत्मा तृप्त करेगा तो अंदर से दुआ निकलेगी कि वाह त्यागी जी आपको परमात्मा खूब दे। अरे यही तो निकलेगी, मजबूरी में निकलेगी, नहीं चाहोगे तो भी निकलेगी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए।
बहुत दिया, देने वाले ने तुझको